ग्वालियर में आश्रम है अपना मध्य प्रदेश, तो आश्रम के पीछे खेतों का इलाका, किसानों की जमीनें हैं। बापू जी उस तरफ सैर करने गए थे तो एक किसान के खेत में कुआं था, उस कुएं के पास आकर बापूजी खड़े रहे तो किसान ने देखा गुरुजी आए, दौड़कर आए प्रणाम करने। बापूजी ने पूछा कि क्यों, कुएं में पानी तो रहता है ना, कोई तकलीफ तो नहीं है? किसान बोला, गुरुजी सर्दियों में तो पानी रहता है, बारिशों के बाद सर्दियां आती है पानी रहता है, पर गुरुजी गर्मियां शुरू होते ही पानी कम होते होते एकदम खत्म हो जाता है, कुआं सूख जाता है और बड़ी तकलीफ होती है पानी के अभाव में। बापूजी ने कंकर उठाया, कुएं में डाला, किसान को कहा कि अब तुम्हारे कुएं में पानी कभी कम नहीं होगा। उसके बाद कितने साल बीत गए, कितनी गर्मी की ऋतुएं पसार हो गई, उस किसान ने बताया हमारे कुएं में पानी कम नहीं होता। उसने दीक्षा नहीं ली अभी तो। संसार से आस रखने वाला ही निराश होता है, ईश्वर और गुरु से आस रखने वाला कभी निराश नहीं होता, क्योंकि भक्ति की धारा गुरुवर बहाते, गंगा सा पावन दिल को बनाते।